नमस्ते। आज हम लोग बना रहे हैं क्यों के साथ में अप्पे। जैसे उन्होंने बताया है कि हम लक्ष्मी दीदी के साथ में अप्पे बना रहे हैं, तो आज हम लोग दोनों साथ में मिलके अप्पे बनाएंगे। क्यों को अप्पे बहुत ही पसंद है, इसलिए हम लोग आज साथ में बना रहे हैं। एक प्लेट में सूजी को डाले, देखिए डाल रही है क्यों। सूजी में ही टमाटर डाले, सूजी में ही स्वादानुसार नमक डाले, हरी मिर्ची डाले, ये 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची है, इन्हें डाले। इसी में अजवाइन डाले 1/2 टेबल स्पून के करीब। इसी में हरी धनिया डाले बारीक कटी हुई, प्याज डाले बारीक कटी हुई। ये देखिए सभी चीजें डालने के बाद में क्यों कितनी अच्छी तरह से सभी चीजों को पकड़ी है। अब इसके बाद में हम लोग इसमें थोड़ा थोड़े थोड़े करके पानी डाल के इसकी बैटर तैयार करेंगे। क्यों नीचे रखो उसको, वेरी गुड। इसी में थोड़े थोड़े करके पानी डालें, आप बच्चों के हिसाब से ना डालें, आप अपने हिसाब से डालें। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से पानी डाल रही है क्यों, इधर देखो। इन्हें अच्छी तरह से हमको फेंट लेना है, देखिए इस तरह से फेंट ले, अच्छी तरह से इन्हें फेंटना है। हम लोग इसमें सभी चीजें डाल दिए हैं, ये देखिए क्यों का बैटर तैयार है ना क्यों। बैटर को अच्छी तरह से फेंटने के बाद में हम लोग इसमें सोडा डालेंगे, ये खाने का सोडा है 1/2 टेबल स्पून के करीब, इन्हें डालें। और सभी को अच्छी तरह से फिर से मिक्स करना है, हमें फेंटना नहीं है। ये देखिए इस तरह से मिक्स कर ले, बैटर को अच्छी तरह से फेंटने के बाद में हम लोग अप्पे बनाएंगे। अप्पे बनाने के लिए हम लोग ये साचा रखे हैं, ये देखिए इस तरह से अप्पे के साचा को पहले 5 मिनट पहले क्या करें, गरम कर ले अच्छी तरह से। हमारी अच्छी तरह से गरम हो गया है, उसके बाद में इसमें ही थोड़े थोड़े करके तेल डालें। तेल एक ही बूंद डालना है, बहुत ज्यादा तेल डालने की जरूरत नहीं है इसमें। उसके बाद में इसमें ही हम लोग अप्पे के जो हम लोग बैटर बनाए हैं वो बैटर को डालें, देखिए इस तरह से डालना है। ये देखिए क्यों डाल रही है, जीत कर रही है कि मैं डालूंगी करके, इसलिए वो डाल रही है, लेकिन बच्चों को ऐसे ना डालने बोलते। वेरी गुड। अप्पे के साचा में अप्पे डालने के बाद में इन्हें ढक कर कम से कम 5 से 6 मिनट पका ले। क्यों पोयम बोलो ना, ना प्लीज ना, आप बोलो ना प्लीज, आप मन लो कुछ, आप पोयम बोलने वाली नहीं है। ये देखिए हमारे जो अप्पे हैं ये अच्छी तरह से पक गया है, ये देखिए इन्हें कम से कम हम लोग 5 से 6 मिनट पकाए हैं। इन अप्पे को पलटा ले, देखिए इस तरह से स्पून की सहायता से इन्हें अच्छी तरह से पलटा लेना है हमें, ये देखिए इस तरह से पलटा ले, बहुत ही सावधानी से पलटा है। वाओ अप्पे बन गया हमारा, क्यों बहुत ही झटपट बनी है ये अप्पे, और बच्ची बिल्कुल वेट कर रही है कि कब हमारे अप्पे जो है वो बने। देखिए इस तरह से आराम से इन्हें पलटा ले, यस काटा चम्मच से हम लोग पलटा रहे हैं। इस तरह सभी अप्पे को पलटा, नहीं अभी बनने का है, अभी हम इसको फिर से 5 मिनट पकाएंगे। वाओ बन गया।
बन गया है, 5 मिनट हो गया है। इन्हें आराम से निकाले, देखिए इस तरह से निकाल ले। ये देखिए हमारे जो अप्पे हैं वो बनकर रेडी हो गए हैं, और बाकी के जो अप्पे हैं इसी तरह से बना। ये देखिए इस तरह से अप्पे बना ले। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा सा मिर्ची कम डालें, और इस तरह से बहुत ही टेस्टी अप्पे बना लें।